Audio Jungle. राधा का रंग और कहना की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात न कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों भरी होली। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, और मैं हूँ आपके साथ अंकिता। दर्शकों, रंगों के बिना तो जीवन ही अधूरा सा लगता है। यह रंग ही तो है जो उदासी जिंदगी में खुशियों की भरमार लेकर आता है। वहीं जब बात करें होली के त्योहार की, तो इसका इंतजार तो हर आयु वर्ग को बेसब्री से होता है, क्योंकि इसी खास पर्व के दिन सभी लोग एक अलग ही मस्ती में मग्न रहते हैं। देश में अनेकों त्योहार आते हैं, लेकिन होली का त्योहार ऐसा होता है जो सभी लोग एक साथ मिलजुल कर और खुशियों के साथ मनाते हैं। शायद तभी किसी को भी रंग लगाते समय यही कहा जाता है, बुरा न मानो होली है। देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से इस पर्व को खुशियों के साथ मनाया जाता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि देश में कहां पर और कैसे मनाई जाती है होली। होली का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ होली खेलना। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और बरसाने की होली के बारे में, जहाँ पर आपको अलग तरह की होली देखने को मिलेगी। वहाँ खास बात यह है कि मथुरा वृंदावन में एक दिन की होली नहीं होती, करीब एक महीने तक ये त्योहार मनाया जाता है। जब फूलों की होली भी होती है, रंग की होली भी होती है, गुलाल की होली भी होती है और लठमार होली भी होती है। ब्रज की होली के नाम से प्रसिद्ध फूलों की होली यही देखने को मिलती है। वहीं अगर कोई बरसाने चले जाता है तो वहाँ लठमार होली भी आपको खेलनी पड़ती है। भगवान कृष्ण और उनकी टोली जब गोपियों को छेड़ दी थी, उस दौरान गोपियाँ अपने बचाव के लिए लटका प्रयोग करती थी, तब से यहाँ लठमार होली मनाई जाती है। इसके अलावा अगर बात करें बिहार और झारखंड की होली के बारे में, तो यहाँ की होली भी अपने आप में काफी ज्यादा प्रसिद्ध होती है, क्योंकि यहाँ पर फगुआ की होली मनाई जाती है। फाग गीत गाए जाते हैं, एक दूसरे पर टीचर भी फेंकी जाती है। फाग के गीत गाए जाते हैं, खुशियों के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में होली नवाबी शासन काल से और ज्यादा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि नवाब शासन काल के समय यहाँ हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती थी, और खासकर रंगपंचमी का पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें होली के पांचवें दिन इंदौर और भोपाल में भव्य तरीके से होली खेली जाती है। हरियाणा की होली भी राजस्थान के जैसी खेली जाती है, लेकिन यहाँ लठमार होली ज्यादा प्रसिद्ध है। यह उत्तर प्रदेश की लठमार होली से थोड़ी भिन्न है। यह मुख्यतः भाभी देवर के बीच में खेली जाती है, जिसमें देवर अपनी भाभी को रंग लगाने का प्रयास करते हैं, तो भाभी उन्हें लठ मार कर भगाती है। महाराष्ट्र में बुलढाणा जिले के सैलानी यात्रा के दौरान एक विशाल होली दहन कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस होली दहन में हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस विशालकाय होली में खास बात यह है कि इसमें लकड़ी नहीं बल्कि 10 से 12 ट्रक नारियल जलाए जाते हैं। हाजी हजरत अब्दुल रहमान उर्फ सैलानी बाबा की दरगाह बुलढाणा शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पिंपल गांव सराय के पास मौजूद है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक इस बलि के उर्स की शुरुआत होली के दहन से होती है। यहां जलने वाली होली में भक्त नारियल उतारे हुए कपड़े जलाते हैं। मान्यता है कि इस होली में अपने कपड़े जलाने से भूत प्रेत, जादू टोना और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। सैलानी यात्रा की इस होली दहन में राज्य ही नहीं पूरे देश से लोग आते हैं। कुछ साल पहले तक इस होली में भक्तों द्वारा मुर्गियां, बकरी के बच्चे जिंदा जलाए जाते थे। ये बात जब प्रशासन की नजर में आई तो इसे बंद करवा दिया गया। विविधता में एकता के प्रतीक के रूप में हमेशा ही भारत को देखा जाता है। देश में होली का त्योहार भले ही अलग अलग तरीके से खेला जाता है, लेकिन एक चीज जो अलग अलग तरीके से खेली जाने वाली होली को बांध कर रखती है, वो है होली की खुशी, उत्साह और उमंग। इसी खुशी, उत्साह और उमंग के साथ आप सभी को फिर एक बार मेरी और BCN की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।